He just always smells nice. Like, you will hug him and you will hold him for a little longer because you're like, मतलब एक होता ना that मेरा collar uneven था, थोड़ा all over the place हो अगर, और उसके अंदर randomly out of nowhere शाहरुख सर आते हैं, एकदम से आपके props लेते हैं, आपका collar ठीक करते हैं, आपको literally मतलब he just मतलब relax कर दिया, ठीक है कि अगर आप उनके fan हो, आप उनसे मिलोगे, आप उनके और बड़े fan हो गए. मेरी mom उनकी बहुत बड़ी fan है, बहुत ज़्यादा बड़ी fan. तो उनका मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. जवान बॉक्स ऑफिस पे तहलका मचा रही है, हर हफ्ते दर हफ्ते बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है. दिस मूवी इज नॉट ओनली नोन फॉर SRK चार्म एंड करिश्मेटिक परफॉर्मेंस, बट ऑल्सो द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस मूवी इज अदर कैरेक्टर्स, द गर्ल गैंग ऑफ दिस मूवी. टूडे वी हैव वन ऑफ द मेंबर फ्रॉम द गर्ल गैंग इज लहर खान. हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इनकी बॉलीवुड जर्नी के बारे में. Hi Leher, welcome to Har Zindagi. Thank you. What a phenomenal performance. Matlab, sharing the screen space with SRK must be amazing. Please tell us something about, you know, how you're taking this. Thank you. Pehle to bahut shukriya. Thank you. If I uske baare mein batana shuru karungi to matlab abhi bhi mere liye bahut unbelievable hai. Abhi bhi main kafi bari baith kar sochti hu ki हो गया क्या, आ गई क्या मूवी. अच्छा देख ली क्या लोगों ने. तो आई थिंक उसका एक तो रिस्पॉन्स, बट रिस्पॉन्स से भी ज्यादा कहीं ना कहीं वो जो पूरी जर्नी रही है ना ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म एंड सर के साथ वो वक्त बिताना, उनके साथ काम करना, उनको बचपन से देखती आई हूँ और फिर उनको इन पर्सन लाइव देखना एक्टिंग करते हुए, कहीं ना कहीं एक सपना तो था जो पूरा हो रहा था. क्योंकि एज अ पर्सन आई थिंक बचपन से मैंने सोचा था कि कभी एक दिन उनसे मिलने का मौका मिल जाए तो क्या हो जाएगा. एंड अब ये हो गया कि मैं मिलने का मौका क्या, उनके साथ शूट हो गया है, उनके साथ मूवी हो गई है, मैंने अपने आप को उनके साथ स्क्रीन पे देखा है. तो इट्स लाइक कि पूरा जो भी ये यू नो सपना था ये पूरा हो रहा है धीरे धीरे. मम्मी से मिलवाया, मेरी मॉम उनकी बहुत बड़ी फैन है, बहुत ज्यादा बड़ी फैन. तो उनका मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि यू नो अभी हाल ही में हम लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे वहां पे मम्मा ने उनके साथ पिक्चर खिंचवाई एंड वो पिक्चर मेरे लिए बहुत इतना क्लोज टू माय हार्ट है कि वो एक, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने सपने पूरे करते हैं वो एक अलग चीज हो जाती है, बट व्हेन यू डू समथिंग दैट यू हैव प्रॉमिस्ड योर पेरेंट्स यू नो उसमें से एक भी चीज होती है तो वो कहीं ना कहीं एक अलग हो जाता है. यू एक्सपेक्ट कि पूरी इस चकाचौंध में यू नो विद दिस होल ऑरा ऑफ SRK यू विल शाइन एंड यू नो ऑल द गर्ल्स एंड I mean, ये सुनते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अभी जब आप बोल रहे हो कि ऐसा हुआ है. आई थिंक कहीं ना कहीं ये डिसीजन बहुत लाइक सोच समझ के लिया गया था इवन बाय एटली सर व्हेन ही वाज मेकिंग द फिल्म. एंड जैसे कि शाहरुख सर ने पहले अपने एक इंटरव्यू में मेंशन भी किया है कि जब एटली सर उनके पास फिल्म लेकर गए थे तो उन्होंने ये बोला था कि आप हैं और ये 6 लड़कियां हैं. तो कहीं ना कहीं आई थिंक वो क्लैरिटी था उनको भी सर को भी, हाउ एवर बट वो कहानी चीफ एंड हिज गर्ल्स वर अ थिंग कि उनके बारे में है, उनके उनके आसपास घूमती है, इर्द गिर्द घूमती है. तो इटसेल्फ जब मुझे वो कैरेक्टर मिला था आई वाज क्वाइट ब्लोन कि ओ अच्छा ओके ये तो काफी बड़ी बात है, मतलब किसी भी एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है. एंड उसके अंदर आपका खुद का थोड़े थोड़े मिनट्स का खुद का फ्लैशबैक होना, खुद का होना वो और भी एक यू नो आपके एक क्या कहते हैं किरदार को एक लेयर देता है या एक उसके बारे में लाइक ऑडियंस को भी बताता है. तो कहीं ना कहीं वो मिल पाना मैं अपने आप को बहुत मतलब खुश के साथ साथ बहुत लकी महसूस करती हूँ कि मुझे वो किरदार मिला और वो करने का मौका भी मिला. एंड उसके साथ साथ ये ऑफ कोर्स कि जैसे मैं जब फिल्म देखने गई थी थिएटर में एंड मैं तो ऑडियंस बन के गई थी देखने के लिए कि भाई अब मैं मूवी देखने जा रही हूँ, जवान अपनी फिल्म देखने जा रही हूँ, मैं शाहरुख सर को देखने जा रही हूँ. बट वहां पे ना जब मेरा सीन आया एंड एक बिट है सीन का जहाँ पे आई हर्ड पीपल विस्लिंग एंड आई हर्ड पीपल हुटिंग, यस यस, एंड वो वाले पार्ट में जैसे ही लोगों ने चिल्लाना शुरू किया फॉर अ सेकंड मतलब मेरे ऑलमोस्ट आंखों में से आंसू आ गए थे वो सुन के. और मैं एकदम से ऐसे हो गई थी कि अच्छा ये मेरे लिए हो रहा है, मतलब ये यू नो ये मेरे सीन के लिए ये लोग भी कर रहे हैं. इतनी बड़ी फिल्म का पार्ट होते वक्त आपको कहीं ना कहीं ये आप शायद छोड़ देते हो कि यार आपके सीन पे कोई ऐसा करेगा, बिकॉज मूवी इटसेल्फ इज सच अ बिग फिल्म एंड इतना मासी फिल्म है कि कहीं ना कहीं आप उसको उसमें आप सोचते हो कि हाँ चलो मेरी कहानी बताई जा रही है, फिर ये है फिर वो है, बट कहीं ना कहीं ये देखना कि अच्छा ऑडियंस उस पर रिएक्ट कर रही है एंड वो उस पर सीटी बजा रहे हैं, अच्छा मतलब सर सर की एंट्री उस पर सीटी बजाई और फिर मेरे एक शॉट पे सीटी बजी,
तो मैं आई थिंक उसमें मैं बहुत ज्यादा ऐसे हो गई थी कि हो अब तो ये मेरे को और चाहिए, ये तो यहाँ खत्म नहीं होना चाहिए. हाउ वॉज इट यू नो शेयरिंग द स्क्रीन विद सच अ बिग सुपर स्टार एसआर के? मतलब कौन फैन नहीं है यार एसआर के का? मैं तो यही बोलती हूँ, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कोई नॉन एक्टर भी है ना, उसका भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली एक सपना होएगा कि कभी मौका मिल गया तो क्यों, व्हाई नॉट. आप एक्टिंग करते हो या नहीं करते, सपना एक जरूर है टू मीट शाहरुख सर या टू वर्क विद हिम. तो वो पूरा होते हुए दिखा एंड फिर डेफिनेटली मैं काफी नर्वस थी जब उनका और मेरा शॉट हो रहा था. तो उस टाइम पे थोड़ा सा नर्वसनेस था इस बात का कि मेरी वजह से कोई डिले नहीं होना चाहिए या मेरे को अपना बेस्ट शॉट देना है या यू नो मतलब उस टाइप का इमेज ना हो कि यार इसको तो कुछ नहीं आता टाइप. बट आई आई वाज रियली मतलब क्वाइट हैप्पी एंड शॉक्ड आल्सो कि उन्होंने इन जनरल भी वो एकदम से आके एकदम से गले लगाते हैं और यू नो मतलब बहुत वार्म फील कराते हैं. बट हम लोगों के शॉट के बीच में भी ऐसा हुआ था कि मेरा बहुत इमोशनल सीन था जब मैं उनके साथ में खड़ी हूँ और उस टाइम में मेरे हाथ में काफी सारे प्रॉप्स वगैरह थे. एंड प्रॉप्स के साथ साथ मतलब एक होता है ना दैट मेरा कॉलर अनइवन था थोड़ा ऑल ओवर द प्लेस हो अगर, और उसके अंदर रैंडमली आउट ऑफ नो वेयर शाहरुख सर आते हैं एकदम से आपके प्रॉप्स लेते हैं, आपका कॉलर ठीक करते हैं, आपको लिटरली मतलब ही जस्ट ही एकदम से उन्होंने ना रिलैक्स कर दिया कि मैं इनफैक्ट यही चीज पूछना चाह रही थी कि सेट पे कैसा होता है, मतलब इज इट समबडी जो यू नो बहुत ही ऐसा यू नो फादर फिगर पेटर्नल एंड यू नो ही इज गिविंग यू टिप्स एक्टिंग टिप्स, या फिर ही यू नो ही इज अ स्टार एंड ही बिहेव्स लाइक इन नो दैट आई मैनर? थिंक इन सब दोनों से बिल्कुल अलग कहीं एक आई फील लाइक ही इज द बेस्ट को एक्टर टू हैव, मैं ये बोलूंगी. क्योंकि मतलब फादर फिगर एक अलग वो तो एक हो जाता है, वो एक अलग बात हो जाती है, बट कहीं ना कहीं वो वाला होता है ना जहाँ पे व्हेन यू हैव अ वेरी अंडरस्टैंडिंग को एक्टर, ही इज वेरी अंडरस्टैंडिंग. उस वे में उनको समझ आ जाता है कि अच्छा अभी शायद इसको थोड़ा नर्वसनेस हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा कर देता हूँ या शांत हो जाएगी, उसको समझ आ जाएगा बिकॉज इट्स क्वाइट ऑब्वियस ही इज बीन वर्किंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. तो कहीं ना करेक्ट, कहीं ये रहता है कि भाई नए बच्चे आएंगे तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो या कुछ भी हो, तो उस वे में ही इज वेरी कंफर्टेबल. वो कहीं ना कहीं ना दोस्त बन जाते हैं रादर देन अ फादर फिगर और अ स्टार. आई फील लाइक ही गोस फॉर अ न्यू अप्रोच व्हिच इज दैट ही बिकम्स अ फ्रेंड वेयर ही इज लाइक, कुछ दोस्त के साथ ना आप कभी वैसे वैसा फील नहीं करते कि अरे अनकंफर्टेबल है या नर्वस है या कुछ भी है. आई थिंक तो दैट्स द मोस्ट अमेजिंग थिंग, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये ना हो कि रिस्पेक्ट के चक्कर में अच्छे से परफॉर्म ना कर पाए जो मुझे मतलब जितना मुझे फील हुआ. तो कहीं ना कहीं वो दोस्त बनने से क्या होता है कि अरे अब तो कंफर्ट हो गया है ठीक है चलो अब अच्छे से आपको करते हैं. अच्छा एक बात बताओ मुझे, जिस दिन यू नो फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग रहा होगा एंड यू अब गए होगे सेट पे, पहली बार एसआरके को देखना उनके साथ, मतलब ऐसा हुआ था कि मतलब मुझे लगता है कि मैं तो रो पड़ूंगी तो मेरा लगता भी ऐसा पहला मेरा मेरा पहला दिन शूट का एक्चुअली सर के साथ नहीं था बिकॉज़ आई वाज द फर्स्ट. सो मैं थी मुहूर्त शॉट ऑफ द फिल्म, आई वाज द फर्स्ट शॉट ऑफ जवान एंड दैट डे देयर वाज सो इट वाज माय शॉट ओनली एंड वी वर हैविंग आवर सेपरेट शॉट्स व्हिच आर द ओपनिंग ऑफ आवर फिल्म. इफ यू सी ओपनिंग ऑफ लाइक ओपनिंग सीन ऑफ ईच एंड एवरी गर्ल दैट इज देयर ऑल सिक्स ऑफ अस. सो हम छो का एक एक सिंगल सिंगल जो भी हमारे, तो दैट वाज द फर्स्ट डे ऑफ शूट एंड आई वाज द फर्स्ट शॉट ऑफ द फिल्म. तो वो चीज भी मैं था, आई रिमेम्बर इट, फर्स्ट सितंबर फर्स्ट शॉट एवरीथिंग. सो या सो सो उस दिन तो सर नहीं मिले थे बट हम लोग, मैं कहीं ना कहीं वो थी कि अरे सर होंगे नहीं होंगे कुछ आइडिया नहीं है. बट आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट शेड्यूल द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट शेड्यूल वाज विद शाहरुख सर एंड वो आए थे एंड everybody was like okay sir is here sir is here. but the thing is wo aaye aur aate hi unhone na ek wo vibe de di ki these are my girls okay oh you know and suddenly oh I was like oh my god this is really happening because ek hota aapke dimag mein hota hai ki aap pehli baar unse mil rahe ho to aap thoda you know us tarike se hote ho but immediately unhone aate hi jaise warmly hug kiya suddenly you're like okay theek hai thank you the star cast is huge एंड वहां पे एक ऐसे लेजेंड हैं, एक सुपरस्टार है एंड देयर यू नो सिक्स गर्ल्स, यंग गर्ल्स इन द मूवी एंड एंड वी सी फिनोमिनल परफॉर्मेंस ऑफ एवरीवन, लाइक दिस एवरीवन हैज देयर ओन स्क्रीन टाइम, देयर ओन स्पेस. व्हाट डू हैव टू से अबाउट दैट? आई थिंक दैट वे एज यू सेड वेरी वेल पुट. वो बहुत ज्यादा सिक्योर इंसान है एंड आई थिंक वो उनके सिक्योरिटी से कहीं ना कहीं आता है वेयर आई थिंक
इट ऑल्सो केम इन न्यूज एंड इवन एटलीस्ट वाज सेइंग दैट यू नो ही इज समबडी जिन्होंने उनको बोला था एडिट करते वक्त यार मुझे हटा देना कुछ जगह पे, लेकिन डोंट मेक श्योर दैट जितने भी लोग हैं उन सबका यू नो दे आर जस्टिफाइड इन द फिल्म उनका कहीं पे भी. तो आई फील लाइक दैट शोज दैट सिक्योरिटी लेवल उनका जो है, वेर इट्स लाइक ही नोज जब उनका मतलब एंड ऑल्सो आई फील लाइक एज एन आर्टिस्ट बहुत ही एक ना बहुत ही अच्छी क्वालिटी है टू बी वेरी ट्रू टू योर वर्क एंड नॉट बी ग्रीडी अबाउट दैट स्क्रीन स्पेस और दैट यू नो की कहानी. वो कहीं ना कहीं एक एज वो हमेशा बोलते हैं कि मेरा यू नो मेरा हमेशा अंदर से रहता है कि मुझे अपने डायरेक्टर को खुश करना है. आई वॉन्ट टू मेक माई डायरेक्टर हैप्पी एंड वॉन्ट टू गिव माई डायरेक्टर वॉट ही वॉन्ट्स. सो वो उनके इस डिसीजन में कहीं ना कहीं क्लियरली दिखता है कि यू नो इट्स नॉट इट्स द फिल्म इज बिगर देन हिम एंड इट शुड बी ट्रीटेड लाइक दैट. एंड कहीं ना कहीं ये चीज वो बहुत उनके सेंस ऑफ सिक्योरिटी से भी आती है, उनके सेंस ऑफ एक जो वो एक एज एन आर्टिस्ट जो अपने काम को रिस्पेक्ट करते हैं वहां से भी आती है कि एटलीस्ट सर ने जो विजन देखा है और उन्होंने जो मूवी लिखी है वो उस चीज को जस्टिफाई करे. आई जस्ट नो थिंग्स अबाउट एसआरके कि यू नो वाज ही लाइकिंग हिज बॉल्ड लुक, व्हाट वाज हिज रिएक्शन, वाज ही फनी, वाज ही लाइक कि अच्छा ठीक है मैं ऐसा अच्छा लग ऐसा अच्छा. आई थिंक इन वन लाइन आई कैन से ही वाज ओनिंग इट लाइक नो वन एल्स कैन. ही वाज ओनिंग इट लाइक नो वन एल्स कैन. आई फील लाइक ही यू गिव हिम अ बॉल्ड लुक, यू गिव हिम अ वाइट हेयर डू, यू गिव हिम एनीथिंग, ही वाज ओनिंग इट लाइक like there is no tomorrow. तो मतलब अगर आप SRK के fan हो and also you are somebody who has worked with him and you know him and so let me ask you a question. Also I share my birthday with SRK, so I also I also consider myself a big fan. अच्छा एक बात बताओ यार, there is a lot of interviews में ना बहुत सारी leading ladies ने कहा है and उन्होंने भी खुद भी कहा है that he smells great. I want to know कि what he smells like. मतलब ये इट्स लाइक इट्स वेरी वेरी आई डोंट नो इट्स वेरी मस्की, वेरी फ्रेश, लाइक ही जस्ट ऑलवेज स्मेल्स नाइस. लाइक यू विल हग हिम एंड यू विल होल्ड हिम फॉर अ लिटिल लॉन्गर बिकॉज़ यू आर लाइक ओके. सो आई वुड से या ही स्मेल्स अमेजिंग ऑल द टाइम. एंड हाउ डज ही कीप्स हिज एनर्जी so up every time you see him in the whole movie, and also we have seen him in the promotions, we've seen him on the stage dancing in his sense of humor, his energy is class apart. I'm also very fascinated by that, not just as a fan but also as a person who's worked with him now. I feel like I'm very fascinated by the way his mind functions. It's just he's like unka ek to na hazir jawab jo itna immediate response aata hai over things and how, and I'm just always like ye socha kaise sir ne, ek second I'll take at least 10 minutes to come to this conclusion and then I'll probably say not even something close to what he said but theek hai kuch to bol dungi. But I think so I am very fascinated by his mind and the way he thinks, and his sense of humor is amazing. You're always laughing around him and majorly I feel like unke sath matlab aap main ek line mein bolu to ye ki agar aap unke fan ho aap unse miloge aap unke aur bade fan ho jao. Main to yahi baat hu because I think I loved him since childhood. Jab se main choti bachchi thi tab se I watched him, I've loved him, but now I met him and I'm like I love him even more now. He's such a nice person, you know. मतलब व्हाट डज ही लाइक टू ईट, कुछ बता सकते हो? मतलब यू नो सेट पे क्या खाने को पसंद करते हैं? एंड यही एक चीज है व्हिच आई थिंक ही इज नॉट मच ऑफ अ ईटर ईटर. आई हैव नेवर सीन हिम ईट और टॉक मच अबाउट फूड. या आई हैव नेवर सीन हिम लाइक दैट. ही ईट्स वेरी लिटिल व्हेनेवर आई हैव सीन हिम. और एल्स हम लोगों ने सबसे ज्यादा उनके साथ मखाने और बनाना चिप्स खाए व्हाइल आवर टॉकिंग सेशंस इज गोइंग ऑन बीच में. एंड ही इज आल्सो वेरी काइंड. He would call for like a whole tray of makhana and all of that, and hum log you know khate rahenge. But that's usually our you know like more like a conversation, and in between we are like munching things. But other than that, I've never seen him really be very foodie or something like that. And that way, I could very relate to him because even I'm not a very foodie person. Like I cannot talk very much about food, and I was surrounded with a lot of people who love food. You started with Jalpari. And that was a Dada Saheb Phalke awarded movie. And then Brahmastra with Ranbir Kapoor. And now, Jawan. How did you land for this role? So for Jawan, I gave an audition. And before audition, I actually got like a very small meeting with Atlee sir. So I was called to meet him. And somewhere or the other, kahin na kahin khabron mein tha ki he's making a movie with Shah Rukh Khan. So I was quite
okay, I'm going to meet him. Is it the same film? Is it a different film? I don't know. So I went to meet him, and it was a very brief meeting regarding, you know, I think he was just trying to understand whether I'll fit in the character of Kalki. Then I got a call from Mukesh sir. 3 days baad hi, kyunki mera birthday tha, aur uske agle din maine, you know, audition diya tha Jawan ke liye. So audition was a little like, it was basically the flashback of Kalki, which is difficult emotionally. So kahin na kahin wo audition jo tha, in my head I was giving my 100%, so that I was like, because hey, as an actor, aapka sapna agar hai to ever meet him and you're getting an opportunity, you put in your 100%. So maine apna 100% diya tha in that audition, and I think that worked out ki the next day only Mukesh sir ka call aaya ki you got the film, and I was like, sir, ek hi din hua hai, aap mazak to nahi kar rahe ho mere saath. So unhone bola ki are main kya mazak karunga, you got the film. And I was like, sachi? And he's like, yeah. And I was like, sir, but ek hi din mein unhone, he's like, your audition was so good that you know, you got the film. And the next day I got a call. So this entire thing happened in a span of 5 to 6 days, and I landed getting Jawan. Wow. So yeah, great. I think many more films to you, and many more, and a lot of success to you. So thank you so much, Lahar, for talking to Har Zindagi. Hi everyone, if you like this video, then please like, share, subscribe Har Zindagi.